मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आदाब, मैं भारतीय हूँ। बिल्कुल जी हाँ, कुछ ऐसा ही प्रिपेयर किया है इन बच्चों ने, ये अपना एक्ट और कितनी खूबसूरती से और खूबसूरत लग भी रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सारे जो डिविजन्स होते हैं कहीं ना कहीं हमारे जहन में होते हैं, बच्चों के दिल में तो होते ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें तो मालूम भी नहीं है। इनको तो इनसे मुझे सीखने को मिलता है कि ये कितने प्यार से आपस में, भाषा एक है, खाना एक है, हम एक है जी हाँ, और दिल भी एक है और दिल है हिंदुस्तानी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वहां जहां कोई यही कहता है कि दिल ही तो है। ना चाहते हुए भी ऋत्विक को अनाया को किस करना पड़ रहा है। देखिए ना, कितने दबे हुए मन से वो अनाया को किस कर रहा है, जबकि उसका दिल बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। और साथ देगा भी कैसे, क्योंकि उसे पलक से प्यार जो हो गया है, दिन रात उसके ख्वाबों ख्यालों में पलक ही तो दस्तक देती रहती है, लेकिन उसके दिल के हाल को कोई समझ नहीं पा रहा है। अब घर वाले तो चाहते हैं कि अनाया से ऋत्विक की शादी हो जाए। इस कॉकटेल पार्टी में हर कोई खुश नजर आ रहा है, नाच गाने का प्रोग्राम भी अच्छा किया हुआ है, लेकिन ऋत्विक की नजरें तो पलक को ही देख रही हैं। अब ऋत्विक, आपको शादी नहीं करनी है, ये बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए आपके पापा को। अब देखिए ना, कितना खर्चा होता है, संगीत, मेहंदी, हल्दी, कॉकटेल पार्टी, इतना खर्चा करने के बाद शादी के मंडप में आप ये बोलेंगे कि आप अनाया से नहीं बल्कि पलक से शादी करना चाहते हैं, तो सोचिए परिवार को कितना बड़ा झटका लगेगा। अब भी कोई नहीं, ये सब करना आपके बस में थोड़े ही है, जैसे जैसे सीरियल के राइटर कहेंगे आपको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि फाइनली ऋत्विक और पलक एक साथ हो जाएंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।